आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्वांटम फिजिक्स लेक्चर 2 में बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम पार्टिकल्स वर्सेस वेव की बात करेंगे। पार्टिकल्स वर्सेस वेव, क्लासिकल व्यू ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव। इन क्लासिकल फिजिक्स, पार्टिकल एंड वेव आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दे एग्जिबिट कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेवियर। वाइल द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकल रिक्वायर्ड ओनली वन पैरामीटर। क्लासिकली हम अगर किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसको फुल डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक पैरामीटर है की ज़रूरत होती है, और वो पैरामीटर है पोजिशन वैक्टर आर, विच इज ए फंक्शन ऑफ टी। टाइम के साथ साथ हम उसकी पोजिशन को बता सकते हैं। द कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव रिक्वायर्ड टू। जबकि किसी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है, पहला द एम्पलीट्यूड एंड द फेज। फॉर इंस्टेंट, 3-डायमेंशनल प्लेन वेव कैन बी डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन। हम कंसिडर कर रहे हैं एक 3D प्लेन वेव को, जिसको हम वेव फंक्शन साई के द्वारा डिस्क्राइब कर रहे हैं। साई, विच इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी, इज ए की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, विच इज ए ई की पावर आयोटा फाई, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड फाई इज इट फेज, के इज द वेव वेक्टर एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। वी मे रिकॉल फिजिकल मीनिंग ऑफ साई। द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय आई बराबर मॉड साई स्क्वायर, से हम उसकी इंटेंसिटी को बताते हैं। आइए इस कंसेप्ट को हम और डिटेल में समझते हैं। एस इज द सोर्स स्टीम ऑफ बुलेट। पहले हम कुछ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हमने कंसिडर किया है बुलेट, ठीक है। कंसिडर द 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। हम 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, इन विच द सोर्स एस फायर ए स्टीम ऑफ बुलेट, जिसमें सोर्स एस जो है फायर जो कर रहा है स्टीम ऑफ बुलेट, उससे स्टीम्स ऑफ बुलेट निकल रही है। द बुलेट आर अज्यूम टू बी इनडिस्टिंग्विशेबल एंड हेंस अराइव ऑन द स्क्रीन इन आइडेंटिकल लंप्स। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ओनली S1 स्लिट इज ओपन। अगर हम केवल एक स्लिट से स्टीम ऑफ बुलेट को गुजार रहे हैं, लेट I1Y इज द करोस्पॉन्डिंग द इंटेंसिटी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। द नंबर ऑफ बुलेट अराइविंग पर सेकेंड एट ए गिवन पॉइंट Y। द सेकेंड एक्सपेरिमेंट I2Y इज द इंटेंसिटी कलेक्टेड टू द स्क्रीन वेन ओनली S2 इज ओपन, ठीक है। तो देखिए ये फिगर देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो है पहले स्लिट से केवल बुलेट की स्ट्रीम जा रही है S1 स्लिट से, तो इंटेंसिटी पैटर्न I1 के द्वारा मिल रहा है। जब हम S2 को ओपन कर रहे हैं, S2 स्लिट ओपन है, हमारे पास सोर्स अगेन बुलेट स्ट्रीम ऑफ बुलेट ही है, तो उस समय I2 पैटर्न फॉलो होता है। और जब दोनों स्लिट खोल दी जाती है तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा प्राप्त होता है, स्किन I1Y इज़ द करोस्पॉन्डिंग द इंटेंसिटी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन एंड I2Y इज़ द इंटेंसिटी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन व्हेन ओनली S2 इज ओपन। व्हाट हैपन इन थर्ड एक्सपेरिमेंट, इफ S1 एंड S2 बोथ आर ओपन, द टोटल इंटेंसिटी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द 2 स्लिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द I1 एंड I2। IY बराबर I1Y प्लस I2Y के बराबर है, इक्वेशन 53 के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये बात हमने की थी जब हमने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया, तो उस समय इंटेंसिटी उनके एडिशन के बराबर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई, जब हमने दोनों स्लिट को ओपन कर रखा था। बी पार्ट हम इसका कंसिडर कर रहे हैं, एस इज़ द सोर्स ऑफ वेव। अब जो एस है उसको हमने वेव के फॉर्म में लिया है, पहले पार्टिकल के फॉर्म में था, पार्टिकल थी बुलेट, अब हम इसे वेव के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं और अगेन यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। लेट I1 बी द इंटेंसिटी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन व्हेन S1 इज ओपन, I2 इज द इंटेंसिटी व्हेन ओनली S2 इज ओपन। रिकॉल डैट वेव इज रिप्रेजेंटेड ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन साई एंड इट इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनेट टू इट एम्पलीट्यूड। I1 इज इक्वल टू साई1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल टू साई2 स्क्वायर। When the both the slit open, जब दोनों स्लिट ओपन करते हैं
total intensity recorded on the screen display the interference pattern. तो हमें interference pattern प्राप्त होता है. Hence, it cannot be equal to sum of the I1 plus I2. The amplitude, not the intensity, must added. ठीक है, amplitude add हो रहा है, intensity add नहीं हो रही है. Amplitude तो क्या है, psi1 plus psi2 है, लेकिन intensity psi1 plus psi2 का mod square के बराबर है. तो हमारे पास जब इसके mod square को हम खोलेंगे, इसका मतलब psi1 plus psi2 को psi1 plus psi2 के complex से जब multiply करेंगे हम, तो हमारे पास equation आती है psi1 square, psi2 square, psi1 star psi2 plus psi2 star psi1, which is I1 plus I2 plus 2 real time psi1 star psi2. ठीक है, I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos delta equation 54 के द्वारा double slit एक्सपेरिमेंट में वेव जब हमने कंसिडर की है सोर्स के रूप में, तो इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू टू अंडर रूट आई वन कॉस डेल्टा के द्वारा दी जाती है. वेयर डेल्टा इज द फेज डिफरेंट बिटवीन साई वन एंड साई टू. डेल्टा क्या है, साई वन और साई टू के बीच में फेज डिफरेंस है. अंडर रूट टू आई वन आई टू कॉस डेल्टा इज द ऑसिलेटिंग टर्म विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है. जब ये दोनों स्लिट ओपन की कर दी जाती है, तो इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू के बराबर नहीं होती है. इस ऑसिलेटरी वे के अंदर इसका पैटर्न आता है. वेयर डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन साई वन एंड साई टू, एंड टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा इज द ऑसिलेटिंग टर्म विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न. So the resulting intensity distribution cannot be predict from I1 and I2 alone. अगर आपको I1 पता है, I2 पता है, तो आप टोटल I पता नहीं कर सकते हैं. For it depend upon the phase delta, क्योंकि ये phase delta पर depend करती है, which cannot be measured when only one slit is open. Delta हमें कब कब मिलता है, जब दोनों slit open होती है. डेल्टा कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लिट सेपरेशन और फ्रॉम द ऑब्जर्व इंटेंसिटी आई वन आई टू आई. तो हमें डेल्टा को पता होने करने के लिए आई वन आई टू और टोटल इंटेंसिटी भी पता होनी चाहिए. क्लासिकली वेव एग्जिबिट इंटरफेरेंस पैटर्न. क्लासिकली हम क्या जानते हैं कि अगर वेव है तो उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. पार्टिकल डू नॉट, लेकिन पार्टिकल में ऐसा नहीं होता है. When two known interacting stream of particles combine in some region, same region of space, the intensity added, and the wave combine, their amplitude add, but their intensity do not. ठीक है, ये classical concept से आप बहुत अच्छे से पहले से ही परिचित थे. धन्यवाद.